नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क गो 2024 वर्सेस पोको C65 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6.44 इंच जबकि पोको C65 में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 2.98 इंच जबकि पोको C65 में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 0.34 इंच जबकि पोको C65 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 186 ग्राम्स जबकि पोको C65 में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि टेक्नो स्पार्क गो 2024 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6.56 इंचेस जबकि पोको C65 में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 720x1612 और पोको C65 में 720x1650 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 83.96% जबकि पोको C65 में 82.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि पोको C65 में 267 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और पोको C65 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और पोको C65 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और पोको C65 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। यही, अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में माली G57 जबकि पोको C65 में माली G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में यूनिसॉक T606 और पोको C65 में मीडियाटेक हीलियो G85 मिलता है। बात करें रैम की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 3 GB की रैम मिलती है जबकि पोको C65 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB, 8 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि पोको C65 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 128 GB, 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 4 कलर्स जबकि पोको C65 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 6699 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको C65 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 8499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9499 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 10999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें पोको C65 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको C65 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको C65 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Infinix Note 11 है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M13 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।